हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने आपके लिए लाई है रोमन एम्पायर से। एंशियंट रोमन एम्पायर में एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था सर्टोरियस। रोम की गवर्निंग काउंसिल ने सर्टोरियस को एक काम दिया था कि उनको स्पेन को जीतना है। स्पेन के साथ बहुत छोटे छोटे कबीलों की भी दुश्मनी थी, और जब उनको पता चला कि सर्टोरियस एक नया आंदोलन शुरू करने वाले, एक नया अटैक शुरू करने वाले स्पेन पर, वो सब सर्टोरियस के साथ जुड़ने लगे। सर्टोरियस की अपनी खुद की आर्मी थी, और जब ये नए सरदार उनके साथ जुड़ने लगे, वो नए नए कबीले उनके साथ जुड़ने लगे, तो उनकी सेना की ताकत बढ़ने लगी। लेकिन जैसे उनकी ताकत बढ़ने लगी, उनकी दिक्कतें भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये सारे कबीले जो थे वो वारफेयर में उतने एक्सपर्ट नहीं थे। उनको एक जल्दबाजी हो रखी थी कि कब हम स्पेन पर अटैक करेंगे और कब स्पेन को जीतेंगे। सर्टोरियस ने उन कबीले के सरदारों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबको जल्दबाजी हो रखी थी। अल्टीमेटली सर्टोरियस को बात समझ में आ गई कि इनको मैं चाहे कितना भी समझाऊं, इनको बात समझ में नहीं आएगी, और उसने दो कबीलों को परमिशन दी कि जाके वो स्पेन पर अटैक करें। बिना प्लानिंग का जब अटैक किया गया तो रिजल्ट्स क्या आने वाला था, सर्टोरियस को पहले से ही पता था। उन दो कबीलों का बहुत नुकसान हुआ, और जब वहां से सैनिक वापस आए तो उनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि सर्टोरियस क्यों अटैक नहीं कर रहे। लेकिन सर्टोरियस चाहते थे कि ये सबक सारे कबीले एक साथ सीखें। तो उन्होंने एक दिन एक बहुत बड़ी दावत अरेंज की, और जहां पर सारे कबीलों को बुलाया गया। पार्टी अपने चरम पर थी तब सर्टोरियस ने एक ऐलान किया। उसने दो घोड़ों को कबीलों के सामने बुलाया और खड़ा किया। एक घोड़ा दुबला पतला सा था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लेकिन उस घोड़े के बाजू में एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जबकि दूसरा घोड़ा बहुत तगड़ा था और बहुत पावरफुल था, लेकिन उसके बाजू में एकदम पतला दुबला आदमी खड़ा था। मैं आप सबके सामने डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं पशुओं के साथ होने वाले वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ इस कहानी के पर्पस के लिए, जो सत्य घटना थी उसको बताने के लिए आपके सामने इंसिडेंट्स बताया जा रहा है। सर्टोरियस ने जो हट्टा कट्टा आदमी था, जो दुबले पतले घोड़े के साथ खड़ा था, उसको इशारा किया, और उस तगड़े आदमी ने घोड़े की पूंछ को पकड़ा और मरोड़ा। जैसे उस आदमी ने घोड़े की पूंछ को मरोड़ा, घोड़ा बौखला गया। घोड़ा जोर जोर से हिलने लगा, जोर जोर से हरकतें करने लगा, और बिल्कुल उस आदमी को पूंछ पकड़ने नहीं दे रहा था। वो आदमी 10 मिनट तक कोशिश करते रहा, लेकिन घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया। अल्टीमेटली घोड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हुफ से उस आदमी पर अटैक कर दिया। उस हट्टे कट्टे आदमी के पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। हर कबीला उस इवेंट को ध्यान से देख रहा था। तभी सर्टोरियस ने जो पतला आदमी था, जो एक हट्टे कट्टे घोड़े के बाजू में खड़ा था, उसको इशारा किया, और उस पतले आदमी ने एक ऐसा काम किया जिसे लोग देखते रह गए। उसने हट्टे कट्टे घोड़े के पूंछ से एक बाल खींचा, क्योंकि एक ही बाल खींचा गया था, घोड़े को कुछ खास फील नहीं हुआ और घोड़ा वही खड़ा रहा। उसने फिर दूसरा बाल खींचा, कुछ देर बाद उसने तीसरा बाल खींचा, कुछ देर बाद उसने चौथा बाल खींचा, लेकिन क्योंकि हर बार एक एक बाल खींचा जा रहा था, घोड़े को उतना पेन नहीं हो रहा था और घोड़ा रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते उस पतले आदमी ने एक हट्टे कट्टे घोड़े की पूंछ के आधे बाल निकाल दिए, और घोड़ा रिएक्ट नहीं किया। सब लोग ये चीज देखते रहे। सर्टोरियस अपने जगह से उठे और सेंटर में गए। कबीलों के बीचों बीच सर्टोरियस ने जाकर कहा, ये जो अभी आपने देखा, ये मैंने आपको जानबूझकर दिखाया। जब एक तगड़े से आदमी ने एक पतले से घोड़े के पूंछ को मरोड़ा, उसको चैलेंज किया, घोड़ा बौखला गया एंड ही रिएक्टेड टू द चैलेंज। और इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो तगड़ा आदमी उस कमजोर घोड़े को हरा नहीं सका, और उसको वहां से भागना पड़ा। लेकिन एक पतले से आदमी ने एक हट्टे कट्टे घोड़े के बाल धीरे धीरे से खींचना शुरू किया, घोड़े को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आधी पूंछ के बाल निकल चुके हैं। तो सर्टोरियस ने कबीलों को कहा कि दोस्तों, हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, हम अगर पूरी ताकत के साथ अटैक करेंगे तो शायद हम स्पेन को हरा सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी ताकत के साथ अटैक करेंगे तो स्पेन भी पूरी ताकत के साथ रेजिस्ट करेगा, और उसमें हमारे ट्रूप्स को बहुत नुकसान हो सकता है। जंग सिर्फ ताकत से नहीं, जंग दिमाग से लड़नी होगी, तभी हम जंग को कम से कम नुकसान में जीत सकेंगे। दोस्तों, टाइम एक खतरनाक टूल है। अगर हम टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे और सही समय पर सही चाल चलेंगे, तो हमारा कम से कम नुकसान होगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जीत भी होगी। लेकिन अगर हम जोश में बह जाएंगे और सिर्फ हमारी ताकत पर विश्वास रख के अगर हम स्पेन पर अटैक कर देंगे, तो हमको बहुत नुकसान होगा। तो दोस्तों, सही समय के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है, सही तरह से स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कम से कम ताकत में, कम से कम नंबर्स में स्पेन को जीत सकते, वो भी कम से कम नुकसान में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीखना है कि ताकत पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ताकत पर ही विश्वास करना एक बहुत बड़े शॉक का कारण बन सकता है। बड़े से बड़ी जंग दिमाग से लड़ी जाती है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स दिमाग से सॉल्व किए जाते हैं।
आपको सही समय की राह देखनी होगी और सही समय पर अपनी चाल खेलनी होगी ताकि आपकी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। दोस्तों एक पिक्चर आई थी ट्रॉय नाम की, जहां पर ग्रीक एम्पायर जो है ट्रॉय के ऊपर अटैक कर देता है। उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको जीत 10 दिन के बाद भी हासिल नहीं होती। लेकिन जब वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जब वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक ही दिन में ट्रॉय को कैप्चर कर लेते हैं। अगर आपने ट्रॉय पिक्चर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एक बहुत अच्छा सबक आपको मिलेगा कि हाउ स्ट्रेटजी वर्क्स। तो दोस्तों सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, समय को अपना दोस्त बनाइए और समय के साथ चलिए, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। लेकिन समय भी उसी का साथ देगा जिसमें ताकत है, जिसमें पेशेंस है और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की कला है। तो आइए दोस्तों कोशिश करते हैं अपने अंदर वो स्ट्रेटजिक ब्रिलियंस लाए, अपने अंदर वो पेशेंस लाए, अपने अंदर वो समय का सदुपयोग करने की कला लाए जो हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह की कहानी हमसे सुनना चाहते हैं तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस तरह की कहानियाँ लाएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी एक थोड़ा सा वैल्यूएडेशन हो सके। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएडेशन। धन्यवाद।